नमस्कार, मैं हूं एसके अनिल और आज के इस एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं लग्न से। प्रथम भाव, हम सभी जानते हैं कि प्रथम भाव जो है वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में ही 1 से 12 सभी घरों के प्रॉमिसेस का जो झलक है वो आप देख सकते हैं। प्रथम भाव जो है ना, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए कोई प्रॉमिसेस चेक करना है तो नैसर्गिक भाव के साथ साथ आपको लगन के SSL प्लैनेट के प्रॉमिसेस भी चेक करने पड़ेंगे। यानी कि कोई भी घटना तब तक घटित नहीं हो सकती जब तक लगन ने प्रॉमिस ना किया हो। यदि किसी घटना को लगन ने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, वो घटना कभी भी जातक के जीवन में घटित नहीं हो सकती। बेशक नैसर्गिक भाव के SSL प्लैनेट उस घटना से संबंधित जो प्रॉमिसेस हैं वो क्यों ना कर रहे हो, या अन्य जो ग्रह हैं वो उस घटना को दे पाने में कितने ही सामर्थ्य क्यों ना हो, उस घटना को घटित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगन की महत्ता से आप इनकार नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले जीवन के जितने भी पहलू हैं उनके बारे में एक झलक लेते हैं। हम जानते हैं कि जो जातक है उसके लिए जो प्रॉमिसेज हैं, जो बुनियादी प्रॉमिसेज हैं, वो क्या क्या होंगे वो पहले जान लेते हैं। एक तो आयु, जातक की आयु कितनी होगी, अल्पायु होगा, मध्यम आयु होगा या पूर्ण आयु होगा जातक को, ये हम लगन से चेक करते हैं। इसके साथ साथ जो लगन के अलावा जो दूसरे भाव जो आयु के द्योतक हैं, जैसे 3rd और 8th, उनका भी हम जो विश्लेषण है वो करेंगे। स्वास्थ्य के लिए लगन का, अगर लगन के लॉर्ड ने स्वास्थ्य जो है वो अच्छा प्रॉमिस किया हुआ है और बेशक 6, 8, 12 घरों ने स्वास्थ्य से संबंधित बुरे संयोग दिए हो, तब भी जातक को जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और शिक्षा से संबंधित लगन से पता करते हैं, रोजगार, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, उसकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, जातक के जीवन में विवाह जो है वो प्रॉमिस में है या नहीं है, संतान उसके जीवन में प्रॉमिस है या नहीं है। आजकल विदेश जाना जो है वो एक स्टेटस सिंबल है, तो विदेश गमन या विदेश में बसना वो आप लगन से भी चेक कर सकते हैं। और जातक के कुंडली के अंदर झगड़े, मुकदमे, जेल या अन्य कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आप लगन से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे जो जातक की आयु है वो किस प्रकार से चेक करना चाहिए वो आप देखिए। जातक की आयु जो है उसके लिए 3 घर जो है ना वो बनाए गए हैं, एक तो लगन पहला, 1 3rd और 1 8th भाव। ये जो भाव हैं ये जातक के आयु को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला और 3rd और 8th घर का जो SSL प्लैनेट है ये अपने PS या STL के द्वारा जो है वो आयु के सभी अच्छे भावों में चला जाए, 1, 3, 5, 9 और 11, और उसका जो सब लॉर्ड है या उसका जो सब लॉर्ड है वो भी इन्हीं भावों में हो, और वो कुंडली के 1, 2, 7, 8 प्लस बाद के इसमें नहीं जाता हो, तो हम ऐसे बोलेंगे इस जातक को जो आयु है वो पूर्ण आयु है। ये जो कंडीशन बनाता है ये पूर्ण आयु बनाता है। अब इसके विपरीत देख लीजिए, यदि कुंडली के अंदर जो है पहले 3rd और 8th घर के SSL प्लैनेट जो है वो 1, 8, 2, 7 प्लस बाद केस में चले जाते हैं और वो 1, 3, 5, 9 और 11 भावों में नहीं जाते हैं, तो ऐसे में जातक जो है वो निश्चित रूप से अल्पायु होगा। अगर मारक भाव 1, 2, 7, 8 और 12 और साथ में 1, 3, 5, 7, 9 और 11 भाव आपस में मिल जाते हो, तो ऐसे में जातक की आयु जो है वो मध्यम आयु होगी और इस प्रकार से जातक जो है ना वो मध्यम आयु को प्राप्त होगा। तो जब दशा में मारक भाव चलेंगे तो आप सीधे सीधे ये फलादेश ना कर दें कि जातक की मृत्यु जो है इस दशा में हो जाएगी। पहले आप प्रॉमिसेस चेक करें कि पहले 3rd और 8th भाव के जो SSL प्लैनेट हैं वो किस अवस्था में आयु जो है वो समाप्त कर रहे हैं। यदि आयु अल्पायु है तो जो प्रथम आने वाला मार्केस है आप उसके अंदर जो है वो जातक की आयु की गणना बताएं।
अगर मिक्स है तो आप मध्यम आयु में आने वाले मार्केस की दशा बताएं, और अगर पूर्ण आयु है तो ऐसी दशा लें जो सबसे अंतिम में आती है, जो मार्केस है। इसके साथ यदि स्वास्थ्य की हम बात करें कि जातक का स्वास्थ्य कैसा है, लगन ने कैसा प्रॉमिस किया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि आयु स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे भाव हैं वो है 1, 5, 9 और 11। ये वो भाव हैं जो आयु कारक स्वास्थ्य कारक माने गए हैं, और जो 6, 8, 12 प्लस बाद के जो हैं वो रोग कारक माने गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यदि लग्न का SSL प्लैनेट, पहले घर का SSL प्लैनेट, छठे घर का SSL प्लैनेट, आठवें घर का SSL प्लैनेट या 12वें घर का जो SSL प्लैनेट है, ये अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू या PS के थ्रू, PS यानी पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू सभी स्वास्थ्यवर्धक भाव में गए हुए हों, और यहाँ पे उसका SL और उनका जो SSL प्लैनेट है ये सपोर्ट करता हो, यानी कि ये भी 5 में 9 में 11 में ऐसे घरों में जाए, और 6, 8 और 12 प्लस बाद केस में ना जाता हो, तो ऐसे जातक का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम भाव का SSL जो है वो 6 में चला जाए, 8 में चला जाए और 12 में चला जाए, और ये कमिट कर ले बाद केस में या 1 में या वापस 6 में या वापस 8 में या वापस 12 में या यहाँ पे जो भी भाव आएंगे उस भाव से संबंधित अंगों में जो है वो बीमारी होगी, क्योंकि लगन के छठे के और आठवें घर के SSL प्लैनेट ने रोग के घर को इन्वॉल्व किया अपने PS और स्टार लॉर्ड के थ्रू, और सब लॉर्ड द्वारा जो है ना वो भी लग्न से जो रोग के भाव हैं उनको सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो जातक है उसके लिए हम रोग से संबंधित जो है ना वो फलादेश करेंगे। अब आप देखिए इसमें एक सूक्ष्म रूप से जो है ना विवेचन करते हैं। मान लीजिए पहले घर का SSL प्लैनेट जो है, पहले घर का SSL प्लैनेट ये अपने PS और स्टार लॉर्ड के थ्रू यदि छठे घर में जाता ही नहीं है, ये 1 में जाता है, 5 में जाता है, 9 में जाता है, 11 में जाता है, और सब लॉर्ड के थ्रू वो कहीं पे भी 6 में या 8 में या 12 जैसे घरों में नहीं जाता है, तो लग्न ने रोग प्रॉमिस ही नहीं किया। ऐसे में छठे घर का जो SSL प्लैनेट है या आठवें घर का जो SSL प्लैनेट है, ये बेशक 6 को 8 को 12 को और 12 को इन्वॉल्व कर दे, तब भी जातक को रोग नहीं होगा, क्योंकि लगन ने रोग प्रॉमिस ही नहीं किया। इसलिए आप ये ध्यान रखें सदैव कि यदि कोई घटना घटित हो रही है तो लगन ने भी प्रॉमिस करना चाहिए, और नैसर्गिक भाव के SSL ने भी अपने PS, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड के द्वारा उस भाव से संबंधित जो है वो घटनाएं प्रॉमिस करनी चाहिए। यदि इनमें से किसी एक ने भी प्रॉमिस नहीं किया तो वो घटना घटित नहीं होगी। अब आइए जातक के जीवन में जो शिक्षा है उसके बारे में हम देखेंगे। शिक्षा के लिए 3 घर निर्धारित किए गए हैं, 1 तो लगन तो ही है, 4th घर जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का घर है, और 9th हाउस जो है, 9वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का घर है। और इसके लिए जो फेवरेबल हाउसेज आते हैं, ये 2 नंबर आता है जो कि ज्ञान का नंबर है, 3 नंबर मेमोरी या विषय के चयन का नंबर आता है, जो 5 नंबर है वो आपके इंटेलेक्चुअल का नंबर है, मेधावी होने के लिए 5 नंबर यानी कि आपकी बुद्धि का द्योतक है, 7 नंबर 9वें से 11वां होने की वजह से ये हायर एजुकेशन के फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है, 9th हाउस इट्सेल्फ हायर एजुकेशन का है, और 11वां घर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, यानी कि जो शिक्षा है उसके लिए अच्छे भाव कौन से हैं, 1, 4, 9 इसके साथ में 2, 3, 5, 7, 9 और 11, 4 ये सारे के सारे जो भाव हैं ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, और शिक्षा के लिए प्रतिकूल जो है नेगेटिव जो भाव माने गए हैं वो है
एक साथ आना चाहिए, 3, 8 और 12 या 4, 8 और 12। ये भाव जब एक साथ इकट्ठे आते हैं तब उस शिक्षा के अंदर जो है ना वो बाधा उत्पन्न होती है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि 4 का 12, 3, 9 का 12, 8 और 12 तो लगन का 12 है ही है। तो क्या हुआ, ये तीनों के तीनों हाउस जो है ना वो प्राइमरी एजुकेशन से विपरीत हाउसेज में चले गए। 4, 8, 12 क्या हुआ, ये 9वें हाउस से चौथा घर जो 8वां होता है, 8वां घर खुद 9वें से 12वां होता है और 12वां घर तो लगन का 12वां ही है। तो ये घर जब इकट्ठे आते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो अशिक्षित रह जाता है। किस प्रकार से देखेंगे कि जातक के जीवन में जो शिक्षा है वो ठीक तरीके से हो रही है, होगी या नहीं होगी, प्रोमिसेस क्या है, हायर एजुकेशन जातक के जीवन में संभावित है या नहीं है, किस प्रकार से इसको देखेंगे, आइए देखते हैं एक बार। यदि जातक के जीवन में शिक्षा प्रॉमिस में ना हो तो क्या होगा, यहाँ पे पहले घर का जो एसएसएल प्लैनेट होगा वो पहले से ही 3, 4, 8 और 12 में जाएगा और यहाँ पे वो 4 और 9 में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे भी 4 और 9 में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। नीचे इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित फेवरेबल हाउसेज आ जाएंगे। तो जातक ने बोला कि लगन ने तो प्रॉमिस ही नहीं किया तो शिक्षा जो है ना अधूरी रह जाएगी। चौथे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो अगर 3, 8 और 12 में चला जाए और 4 में ना जाए, यहाँ पे भी कहीं पे भी 4 नहीं आता है तो क्या होगा, ऐसा जातक प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं ले पाएगा तो हायर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसे कंडीशन में चौथे घर ने प्राइमरी एजुकेशन ही बाधित कर दिया है तो बेशक 9वें घर के जो एसएसएल प्लैनेट है वो शिक्षा के लिए कितना भी अच्छा सहयोग क्यों ना दिखा रहे हो, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं होगी हायर नहीं हो सकती। इसके विपरीत 9th हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है वो अगर 4, 8 और 12वें में चला जाए, यहाँ पे 9 में ना जाता हो, यहाँ पे 9 में ना जाता हो, तो क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे कि जातक को हायर एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो पूरा कर ही नहीं पाएगा। इसके विपरीत में यदि लगन का एसएसएल 4 में और 9 में कंपलसरी जाना चाहिए, चाहे वो अपने पीएस या स्टार लॉर्ड के थ्रू जाए, चाहे सब लॉर्ड या सब सब लॉर्ड के थ्रू जाए, यहाँ पे अगर आ जाता है, सपोज कर लिए 2 नंबर आ जाता है, यहाँ पे 5 नंबर आ जाता है, यहाँ पे 7 नंबर आ जाता है, 9 नंबर और 11 नंबर, ऐसे में क्या होगा कि जातक जो है वो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से सफलता लेता है। अगर ऐसा लगन ने प्रॉमिस किया है तो ज़रूरी है कि चौथे घर का एसएसएल भी प्रॉमिस करना चाहिए। ये क्या होगा, यहाँ पे भी 4 में जाएगा या 9 में जाएगा, 7 में, क्योंकि वो 9 से भी कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जाने के बाद ऐसे ही नंबर जो है वो अगर दे देता है, यहाँ पे 2, 5, 7, 9 और 11, तो हायर एजुकेशन जो है वो संभावित होती है, प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत होती है, ऐसे में कोई हर्डल नहीं आते। और इसी प्रकार से यहाँ पे 9th हाउस का एसएसएल 9 में चला जाए या सभी अच्छे घरों में चला जाए, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, 9 में, और यहाँ पे जो एसएल है और जो उसका एसएसएल प्लैनेट है ये इसको सपोर्ट कर देता है, तो हायर एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ऐसे जातक के जीवन में कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई हर्डल्स नहीं आते, कोई ब्रेक नहीं आता और वो डिस्टिंक्शन से पास होता है। यदि 3, 8, 12 और 4, 8, 12 के जो नंबर हैं वो अच्छे घरों के साथ मिल जाएं तो निश्चित रूप से ये एवरेज स्टूडेंट होगा और जो इसका शिक्षा होगा वो बाधित भी होगा, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे और वो एक तरीके से जो है वो मध्यम स्तर का जो है ना वो विद्यार्थी बन के रह जाएगा। आइए अब एक दूसरा समीकरण चेक करते हैं। यहाँ पे शिक्षा के बाद बात आती है रोजगार की, तो रोजगार जो है वो लोग भी कर सकते हैं जो जिन्होंने पढ़ाई करी है, वो भी कर सकते हैं जो नहीं करी है। तो यदि पहले घर के साथ साथ चौथे या 9वें घर का जो एसएसएल प्लैनेट है ये अगर 6 और 10 में चला जाता है और फिर नीचे में यहाँ पे 2 और 11 जैसे नंबर आते हैं, कमाने वाले नंबर आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक जिस जो भी पढ़ाई करी है उसने उसी से संबंधित रोजगार कर रहा है। यानी एक डॉक्टर ने MBBS करा है किसी ने, तो वो डॉक्टरी चिकित्सा से ही जो है वो पैसा कमा रहा है। अगर 4, 9 के SSL प्लैनेट नौकरी वाले घर में या व्यापार वाले घर में नहीं जा रहे, खुद का क्लिनिक भी खोल सकता है 7 और 11 होने की वजह से, तो यदि
चौथे और नवे घर का एसएसएल प्लैनेट जो कि शिक्षा का कारक है, वो अगर कैरियर वाले हाउस में नहीं जा रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से उनको कह सकते हैं कि आप जो आपने पढ़ाई करी है उसे उसका इस्तेमाल आप अपने रोजगार में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप आइए देखते हैं कि जातक के जीवन में जो रोजगार है वो किस प्रकार से प्रॉमिस में है। रोजगार के लिए पहले घर का एसएसएल प्लैनेट ये जरूरी है, छठे घर का एसएसएल प्लैनेट नौकरी के लिए लेते हैं, सातवें घर का एसएसएल प्लैनेट व्यापार के लिए लेते हैं, और दसवें घर का एसएसएल प्लैनेट जो है वो हम लेते हैं स्टेटस के लिए। दूसरे घर का भी ले सकते हैं आप। ये सारे के सारे कॉमर्शियल हाउसेज हैं और ये जो भाव है ये बताते हैं कि जातक के जीवन में धन और रोजगार जो है ना वो किस प्रकार से संभावित है। यदि पहले घर का एसएसएल प्लैनेट अपने पीएस या स्टार लॉर्ड के थ्रू, अपने पीएस या स्टार लॉर्ड के थ्रू 6, 10 या 7-10 ऐसे नंबरों को इन्वॉल्व करके यहाँ पे 2, 4, 3, 6, 10, 11 या इनमें से मिले जुले नंबर दे रहा है तो लग्न ने ये प्रॉमिस करा है कि जातक के जीवन में जो नौकरी और व्यवसाय जो है वो प्रॉमिस में है। दूसरा क्या देखते हैं यहाँ पे, यदि प्रथम भाव का एसएसएल प्लैनेट वो 5 में और 9 में जाए, 7 में वो 2 में 4 में 6 में 7 में और 11 में और 10 में घरों के अंदर जाए ही ना, तो क्या होगा? हम यहाँ पे बोलेंगे चाहे जो मर्जी कर लीजिए, इस जातक का जो कैरियर है वो स्टेबल होगा ही नहीं। ऐसा जातक जो है वो नौकरी व्यापार व्यवसाय करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कमाने वाले नंबर सारे के सारे गायब हैं, प्लस क्या 6 का ये 12वां और 10 का 12वां 9। ये कहता है कि आपका ना तो नौकरी और ना ही आपका जो व्यवसायिक स्टेटस है वो स्टेबल हो पाएगा। अब आइए इसके साथ, अगर लगन ने प्रॉमिस किया हुआ है, तो इसके साथ साथ इन सभी भावों में से किसी एक भाव का, जैसे 6 के साथ 10, 7 के साथ 10, 6 के साथ 2 ऐसे जो घर है ये 10 के साथ जो भी भाव उपस्थित होंगे जातक उनसे व्यापार या व्यवसाय करेगा। और नीचे अगर गेन के नंबर हैं तो उससे कमाएगा भी। इसके विपरीत यदि कहीं सब लॉट के अंदर 5, 8, 12, 6, 8, 12, 7, 8, 12 जैसे नंबर आते हों, 5, 8 आते हों, 8, 12 आता है, 6, 12, 6, 8, 12 ऐसे नंबर अगर आते हों तो जातक के जीवन में व्यापार और व्यवसाय जो है वो बाधित होता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फायदे और नुकसान दोनों होते हैं यहाँ पे। दूसरा समीकरण लेते हैं, एक धन का समीकरण यहाँ पे छूट गया, धन का ले लेते हैं। आप देखेंगे जो पहले घर का जैसे सर प्लैनेट है वो भी धन से संबंधित सभी अच्छे घरों में जाने चाहिए। जैसे पहले घर का एसएसएल प्लैनेट 2 में चला जाए और फिर यहाँ पे जो है वो 2 से ही कमिट कर दें, 3 से कमिट कर दें, 4 से कर दें, 6, 7, 10 और 11 ये सारे के सारे कमाने वाले अच्छे नंबर हैं। इसके विपरीत में यदि वो 5, 8 और 12 में चला जाए, यहाँ 2 में ना जा करके 5, 8 और 12 में चला जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में धन का अभाव होता है। पहले घर का एसएसएल प्लैनेट यदि 2 में नहीं जाते, दूसरे भाव से सभी प्रतिकूल भावों में चला जाए, जैसे 1 में जो कि 2 का 12वां है, 5 में 2 की 2 से 4था है, 7वां जो कि 8वां घर जो कि 2 से 7वां है, और 9वां घर जो कि 2 से 8वां घर है, अगर ऐसे भाव में चला जाए 1 में 5 में 8 में और 9 में तो और 2 में जाए ही ना, तो ऐसा जातक जो है ये बताता है कुंडली की जो ऐसा जातक है उसको धन से संबंधित कोई जो फल है वो नहीं मिलेंगे। बेशक दूसरे घर के और 12वें 1 से लेकर 12 घर के अंदर के जो प्लैनेट हैं वो 2 को इन्वॉल्व करके दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति उसके पास धन तो होगा लेकिन वो खुद उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसकी चर्चा हम सेकंड भाव में करेंगे। बहरहाल धन से संबंधित मैंने आपको जो संयोग है वो बताए हैं। अब आप देखिए जो जातक के जीवन में जो विवाह है वो प्रॉमिस में है कि नहीं है, जातक का जीवन जो है वो वैवाहिक रूप से सुखी होगा कि नहीं होगा, क्या तलाक हो जाएगा, क्या लिटिगेशन होगी, क्या बहुत अच्छा होगा, ये कैसे देखेंगे? तो विवाह के लिए पहला घर और 7वां घर ये जिम्मेदार बनेंगे। तो पहले और 7वें घर का एसएसएल प्लैनेट अगर अपने पीएस या अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू ये 7वें, 5वें और 11वें ऐसे घरों में चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो 7वां घर जो है विवाह का नैसर्गिक भाव है, 5वां घर लव एंड केयर का है और 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, इसको इन्वॉल्व करता है। और यहाँ पे अपने एसएल
और अपने SSL के थ्रू भी सारे अच्छे नंबर देता है। एक आ जाए ये भी अच्छा नंबर है, दो नंबर सातवें का आठवां होता है, लेकिन फैमिली का भी नंबर है, ले सकते हैं आप। यहाँ पे जो पांचवा घर है वो बहुत अच्छा होगा, सातवां घर इटसेल्फ बहुत अच्छा होगा और ग्यारहवां घर भी बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे नंबरों में चला जाता है तो हम बोलेंगे जातक के जीवन में विवाह जो है वो प्रॉमिस में है और इसका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि पहले घर का SSL प्लैनेट और सातवें घर का, इनमें से कोई एक या दोनों ही कोई भी, अगर ये सभी के सभी प्रतिकूल भावों में चला जाए, जैसे कि चार जो कि पांचवें का बारहवां है, लव एंड केयर खत्म, छः जो कि सातवें का बारहवां है, दस जो कि ग्यारहवें का बारहवां है और बारहवां घर भी ले सकते हो क्योंकि ये खुद लगन का बारहवां है, ऐसे में जाए और सातवें घर में जाए ही ना, यहाँ पे सातवां घर आए ही ना, तो क्या होगा? ऐसे में लगन और सातवें घर ने क्लियर कट मना किया कि इस जातक के जीवन में जो विवाह है वो प्रॉमिस में ही नहीं है और कुछ मर्जी कर लीजिए। यहाँ पे जो बाकी के सात ग्रह हैं अगर वो पाँच सात ग्यारह दे भी रहे होंगे तब भी शादी संभावित ही नहीं है, क्योंकि लगन ने या सातवें घर में किसी एक ने भी मना कर दिया तो विवाह जो है वो संभावित नहीं होगी यहाँ पे। अब इसके विपरीत में यदि यहाँ पे सातवां घर जो है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे यदि छः आ जाए, चार आ जाए, दस आ जाए, तब भी विवाह जो है डिनाइल है। यहाँ पे लगन ने या सातवें घर ने तो ये तो बोला कि यहाँ पे विवाह का घर इन्वॉल्व तो है, विवाह होने की सातवें घर की बात तो हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि विवाह नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि सातवें का छठा घर जो है ना वो सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड में उपस्थित है, यहाँ पे सात नंबर नहीं होना चाहिए। सात नंबर होंगे तो वैवाहिक स्थिति जो है ना वो बहुत झगड़े विवाद और तनावपूर्ण होगा, परंतु विवाह होने की संभावना बनी रहेगी। अगर सात हो ही ना तो ऐसे में जातक का विवाह हो ही नहीं सकता। एक तो क्या है, स्टार लेवल पे ही विवाह से संबंधित सभी बातों सभी भावों से रिलेटेड प्रतिकूल भाव आ जाए, और या फिर सात को इन्वॉल्व करके सातवें को डिनाइल वाले नंबर सब लॉट और सब सब लॉट में आए तो भी विवाह संभावित नहीं है। इसके विपरीत ऐसा भी भाव हो सकता है जहाँ पे आपका वैवाहिक जीवन जो है वो कलहपूर्ण हो, जैसे सात के साथ छः भी हो, चार के साथ पाँच भी हो, ग्यारह के साथ बारह भी हो, और सब लॉट के अंदर भी यहाँ पे चार पाँच छः सात दस ग्यारह और बारह नंबर हो। ऐसे में क्या होगा, वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत कलहपूर्ण होगी और संभावित है कि तलाक भी हो जाए। तलाक कब होगी? ऐसे ग्रह आ जाए भुक्ति अंतरा में जो केवल तलाक को दर्शा रहे हूँ, ऐसे में तलाक संभावित होगी। तो क्या होगा, ये आपको जो फलादेश है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। लिटिगेशन के लिए यहाँ पे जो नंबर आएंगे ना वो छः आठ और बारह के नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ यदि पाँच आ जाता है तो आपको डॉरी भी वापस करना पड़ सकता है या और भी बेइज्जती हो सकती है। अगर यहाँ पे एक आठ और बारह नंबर आ जाए तो आपकी बेइज्जती भी होनी पक्की है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा सब भी सातवें घर की जब हम विवेचना करेंगे उसके अंदर ये सारी चर्चाएं करेंगे। पहले हम फिलहाल इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से प्रोमिसेस चेक कर रहे हैं, लगन का जो महत्व है वो बता रहे हैं। अब बारी आती है संतान की, क्या जातक के जीवन में संतान प्रॉमिस में है? तो पहला घर कंपल्सरी बोलना चाहिए, पांचवा घर भी बोलना चाहिए। अगर इन हाउस के जो SSL प्लैनेट है वो पांच को इन्वॉल्व करके दो और ग्यारह देते हैं, ये SSL है, ये भी दो या पांच या ग्यारह में जाता है, ये स्टार लॉर्ड है या ये PS है या SL का घर है, तो ये सीधे सीधे प्रॉमिस करते हैं कि आपके जीवन में जो संतान है वो प्रॉमिस में है। लेकिन इसके विपरीत यदि शुरू से ही एक जो कि दो का बारहवां, चार जो कि पाँच का बारहवां, दस जो कि ग्यारहवां का बारहवां और यहाँ पे पाँच में ना जाए, यहाँ पे पाँच ना आए, तो हम ये कह सकते हैं कि लगन ने या पांचवें घर ने बुनियादी तौर पे ही ये डिनाई कर दिया, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्कोप ही नहीं होगा। यानी कि वो चीज़ जब मूल शरीर के अंदर से ही नजारत होगी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। इसके विपरीत में प्रोमिसेस तो होंगी लेकिन वो सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड ने डिनाई किया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे PS और STL के द्वारा पाँच आ जाए और यहाँ पे जो है वो चार और एक और दस ऐसे नंबर आ जाए तो ये संतान होने की संभावना को धूमिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे डिनाइल नंबर आ गए।
और यदि ये सारे के सारे नंबर मिक्स हो, यहाँ पे 5 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तो हर्डल्स बहुत आएंगे, डिले होंगे, संतान उत्पन्न होने में परेशानियाँ होंगी। अगर पांचवें घर से रोग के भाव आ जाए तो संतान जो है वो विलंब से होने के साथ साथ रोगी भी होंगे। तो यहाँ पे जो विवेचन है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब बारी आती है जातक के विदेश गमन के लिए। विदेश गमन के लिए जो घर है वो लग्न भी प्रॉमिस करना चाहिए, चौथा घर भी और नवा घर भी और बारहवा घर भी, कहीं से भी आप देख सकते हैं। यदि इन घर के जो पीएस और एसटीएल के द्वारा इन घर के जो एसएसएल प्लैनेट है वो अगर 3, 9 और 12 दे रहे हों, और यहाँ पे भी 3, 9, 12, 11 ऐसे नंबर आ रहे हों, या इसके अलावा 4 को इन्वॉल्व करके 3, 9 और 12 नंबर दे रहे हों, 4 का 3 12, 9 और 12 जो है विदेश के नंबर हैं, तो जब 3, 9 and 12 की इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगन में होती है और नवे घर के एसएसएल, 12वें घर के एसएसएल, 4थे घर के एसएसएल, ये भी जब विदेश गमन की बात करते हैं 3, 9 and 12, तो हम कहते हैं कि जातक के जीवन में विदेश गमन जो है वो संभावित है। उसके बाद लेते हैं झगड़े और मुकदमे। झगड़ा और मुकदमा जो है वो लगन के साथ साथ छठा घर जो है ये लिटिगेशन का हाउस है। तो इन हाउसेस के जो एसएसएल प्लैनेट हैं ये अगर 10 को इन्वॉल्व करके 6, 8 और 12 जैसे नंबर देते हैं तो जातक को व्यापार से संबंधित जो है वो लिटिगेशन होती है। अगर 2 नंबर देते हैं तो परिवार, कुटुंब या धन से संबंधित कोई ना कोई लिटिगेशन संभावित होता है। यदि 3 नंबर होगा तो छोटे भाई या पड़ोसी के साथ लिटिगेशन जो है वो संभावित होता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर पहले और छठे घर का एसएसएल प्लैनेट जो है वो 6, 8, 12 में गया हुआ हो तो ये संभावना है कि उसको लिटिगेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि और भी लग्न से संबंधित बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो पॉसिबल हैं, उनको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। जिस घटना को भी लग्न ने हाँ या ना बोला हुआ हो उसके साथ साथ नैसर्गिक भावों के जो एसएसएल प्लैनेट हैं उनका भी एक बार विवेचन आवश्यक है, नहीं तो चूक होने की जो संभावना है वो बनती है। बहरहाल खाली की गारंटी दे रहे हैं, भरे हुए की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यदि लगन के एसएसएल ने या नैसर्गिक भाव के एसएसएल ने घटना से संबंधित अगर कोई डिनाइल दिया हुआ है वो निश्चित रूप से वो डिनाइल है, वो घटना घटित नहीं होगी। इसके बावजूद अगर लगन ने प्रॉमिस नहीं भी किया हुआ है और डिनाइल भी नहीं है तो संभव है कि किसी और प्लैनेट की वजह से ये घटना जो है घटित हो जाए। इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो 1 से 12 घरों के जो प्रोमिसेस हैं वो आपको समझाऊंगा, ताकि आपके ठीक से समझ में आए कि यहाँ पे थ्योरी में देखना और प्रैक्टिकली समझना कितना फ़र्क है, और वो आपको इन सारी बातों को समझा पाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहले घर के प्रोमिसेस जो है ना वो 1 से 12 घरों के बारे में क्या क्या करते हैं, और तब तक लेते हैं विराम।